सभी देख सकते हैं कि आज केदारनाथ जी में कितनी भारी बर्फबारी हुई है। कल पिछले 24 घंटे से लगभग लगातार बर्फबारी जारी है और मौसम बहुत ही प्रतिकूल हो चुका है। हमने आज यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया है, ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गोरीकुंड से। और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे। कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। अब कल के लिए मैं देशवासियों से अनुरोध करूँगा कि कल के लिए भी हमारे एडवाइजरी का इंतज़ार करें, क्योंकि आज दिन भर भारी बर्फबारी होने की जो है ऑलरेडी उसकी भविष्यवाणी है। ऐसे में जो है कल के लिए भी यात्रा शुरू करने से पहले हमारे यहाँ की एडवाइजरी का इंतज़ार करें कि ऋषिकेश से ऊपर कल आना है या नहीं आना है। हम आज शाम तक आपको एडवाइजरी जरूर भेजेंगे। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करें। ये सभी से हमारा अनुरोध है।